दोपहर को नाश्ते खाना खाने के बाद हम जयपुर के लिए निकलेंगे, वहाँ पे रात का मुक्काम होगा और उसके बाद अलग अलग संगठनों को साथ में लेके सुबह हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कल दोपहर को दिल्ली की बॉर्डर तक किसान सभा का ये व्हीकल जत्था पहुंचेगा, दस्तक देगा। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र से जो व्हीकल जत्था किसान सभा के नेतृत्व में निकला था, आज वो कोटा में गुरुद्वार में पहुंचा। गुरुद्वार की प्रबंधन समिति और बाकी साथियों ने उसका बहुत जोर शोर से स्वागत किया। यहाँ का प्रेम देख के हम सब प्रभावित हैं। यहाँ पे रहने का खाने का पूरा प्रबंध पंजाबी भाइयों ने और गुरुद्वारा संबंधन समिति ने किया है। यहाँ के अलग अलग संगठन भी कल और आज जगह जगह पर मिले और उन्होंने भी महाराष्ट्र के इस व्हीकल मोर्चे का जबरदस्त स्वागत किया है। ये जो दिल्ली में पिछले सत्ताईस अट्ठाईस दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें हम महाराष्ट्र से सहभागी होने आए हैं और हमारी संख्या हजारों में है और मैं भारतवासियों को यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोदी सरकार ने तीन काले कानून किसानों के विरोध में लाए हैं, वो तुरंत वापस ले और जो बिजली का बिल है अभी जो 2020 में लागू होने वाला है वो भी रद्द करे। इस मांग को लेकर हम महाराष्ट्र से हजारों की तादाद में यहाँ शामिल होने आए हैं। आम्ही महाराष्ट्रातून नंदुरबार जिल्ह्यातून आणि एकूणच महाराष्ट्रातून सगळे किसान सभे आणि शेतमजूर युनियन लाल बावटा आणि DYFI हे सगळे महाराष्ट्रातून दिल्लीकडे कूच करत आहे। आज आम्ही या ठिकाणी राजस्थानमध्ये कोटा या ठिकाणी थांबलो आहे आणि इथून दिल्लीकडे कूच करत आहे। या देशातील एकूणच सगळे लोकांनी शेतमजूर शेतकरी कामगार आणि महिला यांनी सगळं हा जो केंद्र सरकार जो कृषी विधेयक जो आणला आहे वीज विधेयक आणला आहे हा सगळ्या देशातील सगळ्या जनतेसाठी धोकादायक आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण भारतातील शेतमजूर कामगार शेतकरी छोटे छोटे व्यावसायिक दुकानदार सगळ्यांनी दिल्लीकडे कूच करावे। देश के तमाम नागरिकों को मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शामिल हो और किसानों का हौसला बुलंद करें और ये जो तीन काले कानून है वो रद्द होने चाहिए। इसी मांग को लेके हम दिल्ली जा रहे हैं। आज हम यहाँ कोटा से कूच करने वाले हैं और अगला स्टॉप हमारा जयपुर रहेगा और सुबह 10 बजे तक हम सरहद पर किसानों के साथ जुड़ जाएंगे। सगळे देशातील 135 कोटी लोकांनी सहभाग करून जसं जर्मनीचा बादशहा हिटलर धार याचा जसं पराभव केलं तसं हा हिटलरचा दुसरा अवतार आहे मोदी सरकार आणि तो स्वतःहून सांगतो की मी हर दिन एक एक कानून बदलता हूँ असं सांगतो आहे। सगळे कायदे बदलत आहे आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये देशाची घटना पण बदलेल आणि देश जसं की गुलामगिरीमध्ये पूर्वी होतं ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत ईस्ट इंडिया कंपनी आली होती त्यावेळेस तसंच हे कायदे करून सगळ्या कंपन्यांना देतील आणि सगळे इथला मजूर शेतकरी बेकार होतील म्हणून सगळ्या देशातील सगळ्या जनतांनी आवाज उठवून दिल्लीकडे यावे। एवढं बोलतो आणि थांबतो। इन्कलाब जिंदाबाद।